सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल बसरएस। आज मैं फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं बसरएस में। और आज मैं मजनू का टीला गुरुद्वारा हूं जो कि करनाल रोड पे स्थित है। बड़ा ही हिस्टोरिकल और बहुत ही खूबसूरत गुरुद्वारा है, स्पेशली घर से काफ़ी दूर इस देखने के लिए आया हूँ। यहाँ पे ये आपको पता ही होगा कि यहाँ पे अस्थियाँ भी बाई जाती है, अस्थियों के नाम से ये बहुत फेमस है। लास्ट में मैं उसका एक छोटा सा पार्ट दिखाऊंगा आपको। तो पहले ये देख ले कि ये मजनू का टीला गुरुद्वारा है, और मजनू का टीला क्यों कहा जाता है तो ये बताते हैं आपको। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक ईरानी सूफी अब्दुल्ला, जो मजनू प्रेम में दीवाना कहलाता था, उसकी भेंट 20 जुलाई 2010 को यहाँ सिखों के गुरु नानक देव से हुई थी, तभी से इसका नाम मजनू का टीला पड़ गया। और तब से ये गुरुद्वारा मजनू के टीले के नाम से जाना जाता है। करनाल रोड पे स्थित है, और यहाँ से अभी आवाज अंदर आ गए हैं गुरुद्वारे के लिए, देख सकते हैं दर्शन करते हुए। बहुत ही पीसफुल, बहुत ही शानदार गुरुद्वारा है। बहुत अच्छा लगेगा जब आप आएंगे, बहुत पीसफुल गुरुद्वारा है, बहुत अच्छा लगेगा। सुबह के टाइम आएंगे तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं सुबह के टाइम ही गया था 6 बजे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो कब बना, अब ये गुरुद्वारा कब बना था ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। तो दिल्ली में यह आज स्थित है, उसे 1980 में बनवाया गया था। कॉम्प्लेक्स के अंदर पहला गुरुद्वारा बघेल सिंह के द्वारा बनाया गया था, जब वह अपने 40,000 सैनिकों के साथ मार्च 1783 में लाल किले में प्रवेश किया था और दीवाने आलम पर कब्जा कर लिया था। और यहाँ से देखिए, मैं ऊपर का ये थोड़ा सा व्यू लिया है, ऊपर जाके बड़ा ही खूबसूरत व्यू था। मैंने ऊपर जाके स्पेशली लेने की कोशिश करी, बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए, छोटा छोटा इतिहास में मैं आपको बीच में बताता चलूँगा। और ये यहाँ से देख सकते हैं मजनू का टीला गुरुद्वारे के आसपास क्या है। तो मजनू के टीला गुरुद्वारा के नॉर्थ दिल्ली में स्थित है, जहाँ से इंटर स्टेट बस टर्मिनल पास पड़ता है। यहाँ से तिब्बतियों का दिव्यू कैंप भी पास में है, जिसके अपोजिट में तिमालपुर कॉलोनी है, या यमुना नदी के किनारे पर बना हुआ है। पूर्णमासी के दिन गुरुद्वारे में बैसाखी सेलिब्रेशन किया जाता है। तो शायद मुझे आप लोगों को शायद पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री सर्च की और आपको बता पा रहा हूँ थोड़ा सा। यहाँ से देख सकते हैं गुरुद्वारा ज़्यादा, ये है जो बघेल सिंह के द्वारा बनाया गया था पहला गुरुद्वारा। सबसे पहला गुरुद्वारा यही है पुराना, इसलिए मैंने इसका थोड़ा सा शॉट लेने की कोशिश की। और जो अभी आप पहले देख रहे थे गुरुद्वारा, वो बाद में बना, ये लंगर हॉल है। यहाँ से देख सकते हैं आप छोटा सा, ये देख ही सकते हैं सारा। सुबह आएंगे आपको चाय वगैरह सब मिल सकती है यहाँ पे। और अब मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पे अस्थियाँ बहाई जाती हैं। छोटा सा एक मैंने पार्ट लेने की कोशिश करी है, उस दिन ये बरसात का मौसम हो रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। देखिए यहाँ से, अब हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे अस्थियाँ बहाई जाती हैं। तो मैं पहले आपको बता दूँ कि मैं छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ, ये ज़्यादा बड़ा मेरा वीडियो नहीं होता, और मैं छोटा सा वीडियो आपको दिखाने की कोशिश करी है। मुझे कमेंट और लाइक करके जरूर बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ मेरा ये आखिरी लास्ट करते हो वीडियो का। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ही ये जमुना के किनारे एकदम स्थित है गुरुद्वारा। बहुत खूबसूरत, अच्छा लगेगा यहाँ पे जब आप आएँ। और ये देख सकते हैं यहाँ पे सामने ही, अभी मैं नीचे जाके आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पे अस्थियाँ बहाई जाती हैं। सो यहाँ पे अस्थियाँ बहाई जाती है, यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा। तो ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था गाइस, इसी के साथ वीडियो का एंड करते हुए मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, नई जर्नी के साथ। सो तब तक के लिए गुड बाय, शब्बा खैर।